नाजरीन, हम ये एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं और इस चैनल का नाम हमने रखा है लाहौर 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 लाहौर। और इसमें हम दो मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ इकट्ठे करके और आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में लाहौर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन सेगमेंट्स में आती है वो। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ इसमें कि अभी आज हफ्ता है, सितंबर का ये महीना है, तो इसमें ये बारिश हुई कल रात, लेकिन बारिश को रुके हुए तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। और ये आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि 8 से 9 घंटे गुजरने के बावजूद ये लाहौर कैंट का इलाका है, वाल्टन रोड है, तो यहाँ पे ये पानी जो इकट्ठा हुआ हुआ है और ये निकलने का नाम नहीं लेता। और ये हर बार, ये सालों से वाल्टन रोड पे इस जगह पे जहाँ ये पैकेजेस मॉल से थोड़ा सा आगे आए, वाल्टन रोड पे वर्कशॉप स्टॉप से आगे, तो यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है और ये सालों से ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है। बार बार ये रोड कई बार बीच में थोड़ी बहुत जैसे वो ठेकेदार बनाते हैं वो बनी भी है, लेकिन ये बिल्कुल सैलाब का सा मंजर है। यहाँ पे एक कुछ जब ज़्यादा बारिश होती है तो गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं, और अगर कोई गाड़ी बंद होती है तो और ये एक चैनल है इसके, ये लोग मूवी भी बना रहे हैं, तो ये जो है ना इसको जो है ना कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को कोई परवाह नहीं है। बेशुमार चैनल मूवियां बनाते रहे, शोर मचाते रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट के इदारों को। हालांकि इनके पास बजट भी होते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ना ये ऐसे है जैसे कोई आप मनोड़ा बीच पे चल रहे हैं या कोई क्लिफ्टन का कोई मंजर है, दरिया ही दरिया है। ये आप देख रहे हैं इधर तालाब ही तालाब है और पानी ही पानी है, और साइड पे हालांकि इसके एक साइड पे एक बाकायदा एक बहुत बड़ा सारा एक नाला है जो जिसमें पानी इसका चला जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे तो लगता है कि वो जो पानी है ना नाले का, वो नाले का पानी भी बारिश के इसमें आ जाता है, ये सड़क पे आ जाता है, तो यहाँ पे कई गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। अब तो 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, पानी कुछ थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी बेतहाशा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे पानी उसी तरह से मौजूद है जैसे कि ताज़ा ताज़ा बारिश हुई हो। तो हालांकि कोई बहुत शदीद किस्म की जैसे मूसलाधार तूफ़ानी बारिश भी नहीं हुई, लेकिन पानी जो इकट्ठा हो गया है वो जो है ना वो जाने का नाम नहीं लेता जब तक कि 4 से 5 दिन ये